हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज अ सिलिंड्रिकल कंडक्टिंग वायर ऑफ रेडियस 0.2 mm इज कैरिंग अ करंट ऑफ 20 मिली एम्पियर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड पर सेकेंड बिटवीन द सप्लाई एंड द वायर एट वन एंड। तो यहाँ हमें जो क्वेश्चन में पूछा है वो पूछा गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे होंगे पर सेकेंड। अगर हमें करंट गिवन है 20 मिली एम्पियर और रेडियस जो गिवन है वो गिवन है 0.2 mm, तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे Q इज इक्वल टू आई टी। क्यू यहाँ चार्ज है, I करंट जो फ्लो कर रहा है, और T कितने टाइम के लिए हमको बताना है कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा होगा। एंड चार्ज इज इक्वल टू होता है एन ई। क्यू यहाँ चार्ज है, N यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दो चीजें यूज करके हम अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो अब अगर हम सबसे पहले Q इज इक्वल टू आई टी लिखते हैं एंड Q इज इक्वल टू एन ई लिखते हैं, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। अगर ये इक्वेशन वन है तो ये इक्वेशन टू हो जाएगी, तो हम इक्वेशन वन इज इक्वल टू इक्वेशन टू लिख सकते हैं। तो यहां से इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से हम लिख सकते हैं आई टी इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ ई। तो यहां से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं, तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं तो हम लिख सकते हैं आई टी डिवाइडेड बाय ई। यहां हमें गिवन है 20 मिली एम्पियर, तो हम लिखेंगे 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय, यहां हमें टाइम 1 सेकेंड गिवन है, यहां लिखा है पर सेकेंड, तो हम मानेंगे कि टाइम जो हमें गिवन है वो 1 सेकेंड गिवन है। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स। तो यहां से ये यहां ऊपर चले जाएगा, 4 4 16 450 225 एंड 2। तो यहां से अगर हम इसे पूरा सॉल्व कर रहे हैं तो यहां से जो हमारी n की वैल्यू आएगी, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, वो करेंगे 12.5 इंटू 10 टू द पावर 16। इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे पर सेकेंड, 12.5 इंटू 10 टू द पावर 16। I hope you understood this well. Thank you so much. All the best.